बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बहुत ही खूबसूरत से स्टिच किए हुए कपड़ों की वीडियो लेकर आए जो कि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो इस तरह से स्टिच किए हुए कपड़ों की वीडियो से एक फ़ायदा यह होता है कि आपको डिज़ाइनिंग का आइडिया हो जाता है कि किस तरह से कपड़े स्टिच करने हैं। बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग, ट्राउज़र डिज़ाइनिंग, बाजू की डिज़ाइनिंग और शर्ट की डिज़ाइनिंग के साथ ये वीडियो है। ये फैंसी, इसमें कुछ लच्छी का सूट है और साथ में ये रेशमी सूट है, लीलन के हैं, सर्दियों के ये विंटर के कपड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइनिंग के साथ। तो मैं आपको वन बाय वन ये दिखाऊंगी। ये तो ये पहली शर्ट देखें, बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट है। इस तरह से मैंने कुछ इसका ये नेक बनाई, इसकी ये देखें, ये ट्राउज़र के साथ का कपड़ा था तो मैंने बाहर की तरफ पलट कर लगा दिया और इसके नीचे ये वाली इसके साथ जो लेस आई थी वो लगा दी और एक लेस मैंने यहाँ पर आकर इस तरह से लगा दी। ये चीज़ मैंने यहाँ पर जब लैस लगाई तो मैंने ये चीज़ इसकी सारी इसके अंदर दबा दी थी और जस्ट मैंने ये जो सर्कल से बने हुए हैं यही बाहर रखे हैं इस तरह से, और मैंने ये तीन इस पर नीचे रखकर बस बटन लगा दिए तो इससे बहुत ही खूबसूरत सी एक गले की लुक बन गई। तो यहाँ से मैंने जितना अपना मैंने दरमियान में 8 इंच का पैनल रखा था तो इस तरह से मैंने चौक से इसकी सारी मार्किंग की। मार्किंग करने के बाद ये मैंने लैस रख कर लगा दी और लैस लगाने के बाद इस तरह से मैंने उठाकर इसके ऊपर सारी सिलाई लगा दी। मैंने कटिंग नहीं की, इसी तरह से मैंने इसको इसके ऊपर रख कर लगा दिया। ये देखें, मैं आपको नीचे से दिखाऊँगी। ये देखें, ये इस तरह से गुम सिलाई में चलेगी सारी लैस। ये देखिए, कहीं से भी नज़र नहीं है, इस तरह से बगैर कटिंग किए तो खूबसूरत सी लैस आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखें, इस तरह से ये पैनल वाली कुर्ती मैंने रेडी की है, प्रिंटेड शर्ट है, बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग है इसकी। यही लैस मैंने चौक और दामन पर लगाई है तो इस तरह से मैंने ये लैस लगाई और यहाँ से मैंने इसका दामन थोड़ा सा राउंड कर दिया इस तरह से। ये देखें, थोड़ी गोल गोल दामन की शेप आ गई और बहुत ही खूबसूरत सा एक दामन की लुक आ गई। ये देखें, दोनों साइड से इस तरह से मैंने इसको रख कर लगा दिया तो इसकी इसके बाजू दिखाऊंगी मैं आपको। बहुत ही खूबसूरत से इसके बाजू बनाए मैंने। ये देखें, इस तरह से ये मैंने 3 इंच इस तरह से उठाकर कपड़ा इसके निशान लगा लिए थे 3-3 इंच पर और ये मैंने इस तरह से उठा कर ये सारे पिंटे इस तरह से डाल दिए। ये देखें, यहाँ से मैंने डालने शुरू किए इस तरह से। पहले भी एक वीडियो में मैंने दिखाए थे तो उसके आगे मैंने कफ लगाया था, इसके नीचे इसके आगे मैंने कफ नहीं लगाया। मैंने ये इसके आगे जो साथ में ये लैस थी तो लैस लगाकर इसके नीचे मैंने ट्राउज़र के साथ का इस तरह से ये 1.25 इंच का पलटा लगा दिया। ये देखें, इस तरह से तो पहना हुआ ये बाजू इतना प्यारा लगता है। बैक इसकी दिखाऊंगी मैं आपको। बैक इसकी सिंपल है, प्रिंटेड है और बैक पर भी सेम उसी तरह से लैस लगाई है। यहाँ से कॉर्नर मैंने इसके गोल कर दिए, एक खूबसूरत सी लुक आ गई। तो इसका ट्राउज़र मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखें, ट्राउज़र इसके साथ सिंपल है तो ट्राउज़र के नीचे मैंने तरपाई लगा दी थी। ये रेशमी है तो इसलिए मैंने इसके नीचे तरपाई लगा दी, मैंने सिलाई नहीं लगाई, ऊपर मैंने लैस लास्टिक लगाई इसके। तो ये देखें, कुछ ओवरऑल सूट इस तरह से है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस है। ये देखें, ये लिनन स्टफ है, मौसम चेंज हो रहा है तो इस तरह से मैंने ये विंटर के लिए नॉर्मल मौसम के लिए कपड़े स्टिच किए हैं। इस तरह से मैंने ये इसका गला बनाया है कटवर्क के साथ, बहुत ही खूबसूरत सा ये सिंपल सा कटवर्क के साथ गला होता है और पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। तो बाजू इसके मैंने इस तरह से बनाया है कटवर्क के साथ। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके आगे कटवर्क बनाया। इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा फेमस है इस तरह से कट वाला ये कुर्ती का डिज़ाइन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो टिकटॉक पर मैंने बहुत सी वीडियो डाली है, उस पर आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग के साथ। तो देखें, साइड मैंने इस तरह से इसकी पलट दी है, जितना 1.25 इंच का हम पलटा लगाते हैं उतनी मैंने 1.25 इंच इसकी साइड से फोल्डिंग की है, जो साइड की स्लिट है। नीचे मैंने इसके ये कटवर्क बनाए हैं। ये देखें, बहुत ही प्यारा सा चीता प्रिंट ये डिज़ाइन है। पहले भी मैंने काफ़ी सारी बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग की वीडियो अपने चैनल पर डाली है, तो प्लीज़ चैनल को विज़िट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल का बटन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो ये देखें, साइड से मैंने बैक की स्लिट भी इसी तरह से 1.25 इंच की फोल्डिंग की है और नीचे से भी इसी तरह से मैंने इसको फोल्डिंग किया है। ये देखें, ये अभी तरपाई लगाने वाली रहती है, यहाँ पर मैं जस्ट तरपाई लगाऊँगी।
तो मैंने यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई थी, यहाँ मैंने इस तरह से एक सिलाई लगाई है। ये थोड़ा थोड़ा काम रह जाता है, तो मैं वीडियो बना रही थी, सोचा पहले वीडियो बना लूँ तो बाद में इसको कर लूँगी। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत साइज़ का प्रिंट है ये। इसके साथ ट्राउज़र प्लाजो बनाया मैंने, 10 इंच का मैंने इसका पांचा खुला रखा है नीचे से। ये देखें नीचे से मैंने इसको जस्ट सिंपली फोल्ड कर दिया है, 10 इंच का मैंने इसका पांचा रखा है और ऊपर मैंने इसका लास्टिक लगाई है। बहुत ही खूबसूरत सा ये चीता प्रिंट सा सूट है ये देखें। तो ये देखें ये प्लची का सूट है, इसके नीचे मैंने जमावर लगाई है। तो इस तरह से ये कट वाला मैंने इसका वी शेप में गला बनाया है ये देखें। तो ये देखें बैक इसकी मैंने रेडीमेड स्टाइल में बनाई है, अलग से कटिंग करके प्रेस लगाकर इस तरह से मैंने इसको लगाया। नीचे मैंने इसके सारे जमावर लगाई है। इसके बाजू देखें, बाजू मैंने आगे से ये बटन वाले बनाए हैं इस तरह से, क्योंकि सर्दियों का स्टफ़ है तो बटन वाले बाजू इस तरह से अच्छे लगते हैं बने हुए ये देखें। और इसके आगे मैंने ये जमावर का ये पलटा लगाया है, तो इसकी जो लाइनिंग है वो मैंने नीचे तक लगाई है ताकि नीचे तक आप जब पहने तो यहाँ तक आपका बाजू है वहाँ तक ये शाइन करे। तो देखें यहाँ तक इसके नीचे जमावर लगा हुआ है और बाकी इसके नीचे जमावर ही लगाई मैंने सारी शर्ट के नीचे और नीचे तक लगाई मैंने ये देखें। बस एक एक इंच का मैंने फासला छोड़ा है, नीचे तक मैंने जमावर लगाई और साइड पर मैंने इस तरह से जमावर का ही पलटा लगाया और नीचे दामन पर भी इस तरह से पलटा लगाया। जब आप इसको अगर आप इसकी लाइनिंग कम रखोगे तो नीचे से ये इतना शाइन नहीं करता, अगर लाइनिंग इसकी नीचे तक होगी तो पहना हुआ बहुत ज़्यादा शाइन करता है और बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। बहुत ही खूबसूरत सा जो प्रिंटेड प्लची का सूट है ये देखें। तो इसके साथ ये सिंपल ही जामावर का ट्राउज़र है जी। तो ये शर्ट देखें, ये इसको मैंने रिसाइकल किया है, पहले इसकी सिलाई दूसरी तरह से हुई थी तो ये मेरे पास रिसाइकलिंग के लिए आई थी, तो मैंने इसको सारा अधेड़ा अधेड़ कर मैंने इसका नए सिरे से ये गला बनाया वी शेप में और बाजुओं के आगे ये वाला इसके साथ अब लैस आई थी तो मैंने बाजू के आगे ये लैस लगाई और इसके साइड पर यह पलटा लगाना था। तो पहले ये वैसे ही सिला हुआ था तो अब मैंने साइड पर ये देखे दोनों साइड पर इस तरह से साथ में जो लैस आई है इसको लगाया नीचे तक ये देखें इस तरह से और इस साइड पर भी। तो इस तरह से मैंने इसको फिर से दोबारा से सिलाई किया और बहुत ही खूबसूरत सा एक नए सिरे से नई शर्ट बन गई। तो इस तरह से आपका भी कोई सूट अगर थोड़ा बहुत कहीं से मिसफिट हो तो आप इस तरह से उसको सेट कर सकते हैं। तो ये देखें ये पुराने सूट को मैंने नया बनाया तो कितना खूबसूरत सूट बन गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।